Very good evening to all of you. In this video, I am going to talk about syndromic approach or simplified STD treatment. So basically, syndromic approach क्या है? क्या based on sign, symptoms, जो peripheral health worker है ना, वो उन्हें एक chart provided होता है ना, उस chart के according किसी भी sexually transmitted disease को वो treat करेंगे, ठीक है ना? तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा बहुत सारा हुआ. पहला फायदा, इसमें कोई लैब डायग्नोसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो लेबोरेटरी टेस्ट का पैसा बच गया, ठीक है ना? दूसरा, पेरिफेरल एरिया में हमें पता है जो लेबोरेटरी टेस्ट है या तो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग उतने अमीर होते नहीं क्या उसे वो बियर कर पाए, और बहुत जगह लैब अवेलेबल भी नहीं होता है. तीसरा इम्पॉर्टेंट, उन्हें सिटी में नहीं आना पड़ा हॉस्पिटल के लिए ना, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए. उनका ट्रीटमेंट कहाँ हो गया? डोर टू डोर, उनके घर पर ही उनको ट्रीटमेंट मिल गया, ठीक है. और पांचवा इम्पोर्टेंट बात क्या है, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का बर्डन जो रूरल एरियाज़ में है बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना? अब अगर इन द केस क्या कोई ऐसा केस आता है जो हेल्थ वर्कर है वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? पेशेंट को रेफ़र कर देंगे, ठीक है ना? तो यही कंसेप्ट था सिंड्रोमिक अप्रोच के पीछे. तो चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इज बाय लेबोरेटरी टेस्ट विच आर ऑफन अनअवेलेबल और टू एक्सपेंसिव. सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी हैज बीन रिकमेंडेड बाय WHO सिंस 1990 बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड क्लिनिकल साइन. MCQ, ये MCQ ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है ना? क्या सिंड्रोमिक मैनेजमेंट एसटीडी ने रिकमेंड किया बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है? वाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस अप्रोच? थ्रू दिस अप्रोच a health worker at most periphery level without using laboratory support can diagnose reproductive infections and accordingly prescribe treatment or advise referral, जो कि मैंने पहले बता दिया है ना. इस अप्रोच के थ्रू जो हेल्थ वर्कर है ना, जो मोस्ट पेरीफेरल लेवल जहाँ पे कोई लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो विदाउट यूजिंग लेबोरेटरी सपोर्ट कैन डायग्नोज रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस एंड अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्स ट्रीटमेंट और एडवाइस रेफरल. बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ सिंड्रोमिक अप्रोच. तो बेसिकली इसका 4 मेन फीचर्स है. एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कोई भी लैब की ज़रूरत है नहीं, तो नो एक्सपेंसिव है ना लेबोरेटरी टेस्ट इज रिक्वायर्ड और लैब इज रिक्वायर्ड. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या हुआ, वन इज़ क्लासिफिकेशन एंड अनदर थिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कॉज, ठीक है? कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम लोग बताते हैं भाई कौन सा कॉजेटिव पैथोजन है बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, वो अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे. और ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट काउज ऑफ द सिंड्रोम्स, ठीक है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज़ नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स पार्टनर, है ना? अगर एक इंडिविजुअल को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो वो डिस्क्लोज करता है ना वॉलेंट्रीली, क्या भाई जो सेक्सुअल पार्टनर है ना जिसके इसके वो कांटेक्ट में आया है, तो फिर हम लोग उसको ट्रेस करते हैं और उसको भी ट्रीट करते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग ट्रांसमिशन से रोकते हैं, ठीक है ना? तो दिस 4 आर इंपॉर्टेंट फीचर्स और मेन फीचर्स और ऑफ सिंड्रोमिक अप्रोच. इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज क्या है, इट परमिट्स एसटीडी ट्रीटमेंट विदाउट कॉस्टली लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है ना? ट्रीटमेंट भी हो जा रहा है, कोई भी हमें लैब का टेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा है, और ये एसेसेबल है, इजली घर डोर टू डोर पहुंच सकता है, इमीडिएट है ना, तुरंत हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट है. तो मैंने 4 वर्ड यूज़ किया, एसेसेबल, इमीडिएट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इसका डिसएडवांटेज बस यही है, क्या इन केस ऑफ वेजिनल डिस्चार्ज जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग ओवर ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर को उतना अच्छे से नॉलेज होता नहीं है ना, तो वो कुछ ज़्यादा दिन तक ही मेडिसिन चला देते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं और कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं ऑफ ऑल अंडरलाइंग कॉज ऑफ सिंड्रोम्स. तो चलिए देखते हैं कैसे हम साइन और सिम्टम्स के थ्रू है ना कॉजेटिव पैथोजन पे पहुंच सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं. तो जो पेरिफेरल हेल्थ वर्कर होता है उसे ट्रेनिंग दे दिया जाता है, क्या भाई अगर ऐसा कोई साइन लेकर के आए या सिम्टम्स लेकर के आए तो आप समझ जाना कि भाई उसे क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोअर एब्डोमिनल पेन लेकर आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बता देंगे भाई इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में हम लोग कौन सा मेडिसिन चलाते हैं वो अभी मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा जिसमें कि ये कलर कोडिंग क्या हुआ था और अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं. जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ येलो कलर का एक कीट आता है ना, और उसमें जो कंटेंट रहता है
उसमें कंटेंट सिफैक्सिन, मेट्रोनिडाजोल और डॉक्सीसाइक्लिन रहता है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर कहीं पे इन्ग्वेनल स्वेलिंग है, जिसको कि हम लोग ब्यूबो बोलते हैं, तो जो उसका कॉज है दैट इज एलजेबी, है ना, और उसका जो पैथोजन है दैट इज क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटिस। जेनिटल अल्सर है, तो किसके वजह से जेनिटल अल्सर हो सकता है? सिफिलिस, शेनक्रॉइड्स, एलजीबी, ग्रेनुलोमा इन्ग्विनल्स या फिर हर्पिस इन्फेक्शंस। अगर वेजिनल डिस्चार्ज है तो जो अंडरलाइंग कॉज है या तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, या तो कैंडिडियासिस हो सकता है, या तो फिर ट्राइकोमेनियोसिस हो सकता है। अगर यूरिथ्रल डिस्चार्ज है तो वहाँ पे गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस हो सकता है। अगर यूरिथ्रा है तो वहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिथ्रा इज यूरिथ्राइटिस, एंड नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस इज ड्यू टू क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉजेटिव एजेंट क्या है ना, बेस्ड ऑन सिम्टम्स हेल्थ वर्कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अकॉर्डिंगली वो लोग, उनको एक किट प्रोवाइड होता है जिसको हम लोग स्टडी किट बोलते हैं, ठीक है ना, वो अवेलेबल कराते हैं। दिस इज नैको किट्स, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा से सिंपल बनाने की, निमोनिक बाहियात बाहियात बताऊँगा, अगर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से आप लोग निमोनिक बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिथ्रल, एरोरेक्टल और सर्वाइकल डिस्चार्ज है ना क्लिनिकल कंडीशन। दूसरा क्लिनिकल कंडीशन वेजिनल डिस्चार्ज, अभी जो मैंने बताया आपको इससे पहले स्लाइड में, वहाँ भी सीक्वेंस यही था। तो यहाँ पर जो किट का कलर होगा दैट विल बी ग्रे, यहाँ पर जो किट का कलर होगा दैट विल बी ग्रीन। यहाँ पे हम लोग टैबलेट यूज़ करेंगे एजिथ्रोमाइसिन सिफेक्सिन, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेक्निडाजोल और फ्लुकोनाजोल। तो ये तो है कि भाई ये दोनों डिस्चार्ज वाला डिजीज़ है, पहले यूरिथ्रल डिस्चार्ज फिर वजाइनल डिस्चार्ज, ये यहाँ तक याद रहेगा। अब ये कैसे याद करेगा भाई ग्रे कौन है ग्रीन कौन है, दोनों डिजीज है ना। तो हमें पता है जो लड़की लोग होती है ना, वजाइना डिस्चार्ज क्लिनिकल कंडीशन इन फीमेल है ना, मेल में थोड़ी ना वजाइनल डिस्चार्ज दिखेगा, वो लोग ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद करती है, तो ग्रीन इज़ मोर कलरफुल देन ग्रे। तो जो ग्रीन कलर का किट होगा दैट इज फॉर वेजिनल डिस्चार्ज, और जो ग्रे कलर का किट होगा दैट इज फॉर यूरिथ्रल और एनोरेक्टल और सर्वाइकल डिस्चार्ज। टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, हम कौन कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो निमोनिक बता रहा हूँ, दैट इज एसी एंड साफ, ठीक है, एसी एंड साफ। हमें पता है लड़के लोग गंदे रहते, तो लड़के लोग तो भाई साफ वाला निमोनिक तो चलेगा नहीं, तो लड़के में कौन सा निमोनिक चलेगा? एसी, है ना, रूम पे एसी लगा के भाई सोते रहते हैं, ठीक है। तो ए फॉर एजिथ्रोमाइसिन, सी फॉर सिफेक्सिन। लड़की लोग कंपेरेटिवली अपना रूम साफ रखती, तो यहाँ पे निमोनिक चलेगा साफ, दैट इज सेक्निडाजोल एंड फ्लुकोनाजोल, ठीक है। अब हमारे पास तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन रिलेटेड टू जेनाइटो अल्सरेटिव डिजीज। एक तो ऐसा कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट एलर्जिक है पेंसिलिन से, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट एलर्जिक नहीं है पेंसिलिन से, ठीक है ना। तो जो नॉन हर्पेटिक जेनाइटो अल्सरेटिव डिजीज है उसमें एक कंडीशन कैसा है जिसमें कि पेशेंट एलर्जिक है पेंसिलिन से, तो जहाँ पे पेशेंट एलर्जिक है पेंसिलिन से वहाँ पे हम लोग पेंसिलिन नहीं देके क्या देंगे? डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। और जहाँ पे एलर्जिक नहीं वहाँ पे तो हम लोग पेंसिलिन चलाएंगे चलाएंगे। तो ऐसे दोनों का ड्रग्स भी याद हो गया, बाकी एजिथ्रोमाइसिन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो दो पॉइंट है दैट इज जेनाइटल अल्सर डिजीज नॉन हर्पेटिक, जेनाइटल अल्सर डिजीज नॉन हर्पेटिक्स इन पेशेंट एलर्जिक टू पेंसिलिन, तो यहाँ पे अगर पेशेंट एलर्जिक टू पेंसिलिन तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है ना। और जहाँ पे एलर्जिक नहीं वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इंजेक्शन बेंजाथिन पेंसिलिन, और एजिथ्रोमाइसिन तो दोनों में है ही, ठीक है। कलर कोडिंग ये याद ही करना पड़ेगा, दूसरा इसका कोई चारा नहीं है, एक वाइट है दूसरा ब्लू है, ठीक है। और अगर कुछ निमोनिक आए तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब आते हैं हर्पेटिक डिजीज, है ना, जिसको कि हम लोग जेनिटो अल्सरेटिव डिजीज, बट दिस इज ड्यू टू द वायरल काउज, है ना। यहाँ पे काउज क्या है? वायरल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सिंपल कंडीशन से, है ना, याद करने की कोशिश करें, तो जो सबसे चमकता हुआ कलर होता है दैट इज रेड, और जो सबसे डल होता है दैट इज वाइट, है ना। तो अगर जेनिटो अल्सरेटिव डिजीज वायरल काउज के वजह से होगा, या उसका एटियोलॉजी हर्पेटिक होगा ना, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होगा, तो जो कलर कोडिंग हमें मिलेगा वो मिलेगा रेड, और अगर वो नॉन हर्पेटिक होगा तो हमें जो कलर कोडिंग मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वाइट, ठीक है ना। बस एक इसमें एक्सेप्शन है, क्या भाई अगर एलर्जिक टू पेंसिलिन है तो हमें कैसा मिलेगा? ब्लू, ठीक है ना। और इस ब्लू के साथ साथ हमें किसे याद करना है? ब्लैक को भी याद करना है। क्यों? क्योंकि ब्लू और ब्लैक का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सेम है। तो यहाँ पर ब्लैक जो वो क्या बता रहा है? बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्यूबो, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है? इन्ग्विनल ब्यूबो, ठीक है। अब बच जाता है येलो, जो कि मैंने ऑलरेडी इसे पहले ही बता रखा था, या कहाँ पे यूज़ करते थे? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट का निमोनिक है दैट इज मेडिसिन, MDC, एम फॉर मेट्रोनिडाजॉल, डी फॉर डॉक्सीसाइक्लिन एंड सी फॉर सिफेक्सिन।
मुझे तो यही तरीका लगा सही याद करने का, बाकी आप लोग अपने हिसाब से निमोनिक बना दीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिंड्रोमिक अप्रोच और सिंप्लीफाइड एसटीडी ट्री।